अभी हम जिस जनरेशन में हो, अगर आप आसपास नोटिस करोगे तो आपको ऐसा बहुत चीज मिल जाएगा जो मैन को वीक बना रहा है। और अगर आप अपने बुजुर्ग के जनरेशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको मैन काफी ज्यादा वीक मिलेगा फिजिकली और मेंटली। और दूसरी तरफ जो लोग आज का टाइम में स्ट्रॉन्ग है उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करा जाता है। आज के दिन में मैन अपने मस्कुलरिटी खो चुका है जो एक काफी डरावना चीज है, क्योंकि मैन का मस्कुलरिटी ही एक असली चीज है। कोई भी वीक इंसान को पसंद नहीं करेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो आज का इस वीडियो में 5 ऐसे हैबिट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैन को दिन ब दिन वीक बना रहा है। सो नंबर 1, फ्रेंड्स। हम लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज होता है जो पैदा होने के बाद हम लोगों का मम्मी पापा से हम लोगों को मिलता है, लेकिन उसके बाद हम लोग किस तरह का लोगों के साथ रहता हो वो डिफाइन करता है हम लोगों का पर्सनैलिटी। ज्यादातर लोग उन लोगों को फ्रेंड बनाता है जिसमें वो अपने आप को देखता है। अगर आप स्मोक करते हो, गेम खेलते हो, ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज देखते हो, मूवी देखते हो, और सामने वाला भी अगर ये सब करता है तो आप उसको पसंद करोगे और कुछ टाइम बाद आप एक दूसरे को बर्बादी का रास्ता में ले जाओगे। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के बदले आप एक वीक मैन का ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे और सब मिलके बैड हैबिट को फॉलो करोगे और सब चीज का इफेक्ट एक दूसरे में फैल जाएगा और सबका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आप ज्यादातर टाइम वीक लोगों के साथ रहते हो तो आप भी एक वीक मैन ही रह जाओगे। और इसीलिए फेक और वीक फ्रेंड के साथ रहने से अच्छा आप अकेला रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, या तो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल टैलेंटेड हार्डवर्किंग बंदे को अपने फ्रेंड बनाओ। सो नंबर 2, सोशल मीडिया। आप जब बाहर जाते हो जैसे कि मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क, मतलब कहीं पर भी, तब आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर लोग उस मोमेंट को एंजॉय ना कर अपने फोन में रहता है। हम सबका लाइफ में सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम और आप भी कनेक्टेड नहीं रहता। हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, बट इन रियलिटी सोशल मीडिया हम लोग को यूज करता है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया खराब चीज है। अगर आप इसको अच्छा काम के लिए यूज करते हो, नॉलेज, स्टडी, मतलब किसी भी अच्छा काम के लिए अगर आप यूज करते हो, तो इससे अच्छा चीज दुनिया में हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर सारे दिन स्क्रॉल करते रहते हो, अपने काम को छोड़कर सारा दिन आप फोन में हो, अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये सोशल मीडिया आपको धीरे धीरे वीक बना देगा। और ये हम सबको बहुत ही अच्छा से बताए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यूज करे जा रहा हूँ। और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है और दूसरी तरफ ये आपके लिए बहुत बुरा भी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा इसको अच्छा चीज के हिसाब से ही लेता है। सो नंबर 3, स्लीप। हम लोगों का स्लीप और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एक कनेक्शन रहता है। हम सबके लिए नींद काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोगों का बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो पाए और हम लोगों का मसल रिलीज रहे और हम लोगों का ब्रेन अच्छा से काम कर पाए। और स्लीप का क्वांटिटी से ज्यादा मैटर ये करता है स्लीप का क्वालिटी, मतलब आप कितना टाइम सोते हो वो मैटर नहीं करते, आप किस तरह से सोते हो वो मैटर करता है। ठीक से ना सोने से सिर्फ मैन को ही नहीं, फीमेल को भी, मतलब हर किसी को ही वीक बना देता है। और क्वालिटी नींद के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ 5-3-1 का। 5 मतलब सोने से 5 आवर्स पहले किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी मत पीना। 3 मतलब सोने से 3 आवर्स पहले आपको डिनर करना होगा। 1 मतलब सोने से 1 आवर पहले किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी यूज मत करना, जैसे कि फोन, लैपटॉप, टीवी एक्सेट्रा। उसके बदले आप बुक्स पढ़ सकते हो। सो नंबर 4, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल। आजकल मैन छोटा मोटा चीज को लेकर काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है। अगर कोई लड़की सो जाता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, या एग्जाम में कम मार्क आता है, या कुछ बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो ये सब लेके मैन काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक मैन इमोशन नहीं हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैन अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। वो खुद डिसाइड करता है उसको कहाँ पर इमोशन होना है, उसको कहाँ पर नहीं। और अगर कोई आपका इमोशन को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, और यही रीजन है आप और भी ज़रा वीक बन रहे हो। और इसीलिए आपका इमोशन को मास्टर करना होगा अगर आप स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहते हैं तब। सो नंबर 5, ब्लेमिंग अदर्स, मतलब खुद का गलतियाँ दूसरा पे थोप देना। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो गलतियां नहीं करता है। हम लोग गलतियां करता हो ताकि हम लोग उस गलतियों से सीख पाए, लेकिन ज्यादातर लोग खुद का गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। खुद का गलतियों के लिए, खुद का सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना बहुत ही ईजी है, लेकिन खुद को ब्लेम करना, खुद का गलतियों को ढूंढना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुश्किल काम करना ही एक रियल मैन का निशान है, और एक रियल मैन कभी भी खुद का गलतियों के लिए दूसरा को ब्लेम नहीं करेगा, और वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है और उन गलतियों से सीखता है और फ्यूचर में वो सेम गलती रिपीट नहीं करता है। और यही वो 5 हैबिट्स है जो मैन को वीक बना रहा है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं दोबारा वो 5 हैबिट्स को रिमाइंड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, स्लीप, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल एंड ब्लेमिंग अदर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।